भी ढेर सारे फैसले हुए हैं और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये तीनों कोऑपरेटिव आने वाले दिनों में किसानों की सहभागिता दुनिया के व्यापार में तो बढ़ाएगी, मगर इसके साथ पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव की सारी संस्थाओं को एक प्रेरणा देने का भी काम करेगी कि अच्छे तरीके से सहकारिता के सिद्धांतों के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो किस प्रकार से छोटा किसान ग्लोबल मार्केट तक अपनी रीच को पहुंचा सकता है, इसका उदाहरण ये तीनों कोऑपरेटिव बनने वाली है। जिस तरह से इफको, क्रिप्को और अमूल ने आज भारत का एक प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है, भारत की ये तीनों संस्थाओं ने, इसी प्रकार से ये तीनों अपनी नई कोऑपरेटिव भी आगे दुनिया भर के लोगों का, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेगी। नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पूरे कानूनी ढांचे का पुनर्गठन हुआ है और श्वेत क्रांति 2 और ब्लू क्रांति की शुरुआत भी हुई है, जिसमें सहकारिता का रोल एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में सहकारिता के समग्र विकास के लिए इतने कोऑपरेटिव की सारी संस्थाओं को एक प्रेरणा देने का भी काम करेगी कि अच्छे तरीके से सहकारिता के सिद्धांतों के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो किस प्रकार से छोटा किसान ग्लोबल मार्केट तक अपनी रीच को पहुंचा सकता है, इसका उदाहरण ये तीनों कोऑपरेटिव बनने वाली है। जिस तरह से इफको, क्रिप्को और अमूल ने आज भारत का एक प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है, भारत की ये तीनों संस्थाओं ने, इसी प्रकार से ये तीनों अपनी नई कोऑपरेटिव भी आगे दुनिया भर के लोगों का, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेगी। नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पूरे कानूनी ढांचे का पुनर्गठन हुआ है और श्वेत क्रांति 2 और ब्लू क्रांति की शुरुआत भी हुई है, जिसमें सहकारिता का रोल एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में सहकारिता के समग्र विकास के लिए इस 3 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में आमूलचूल परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़े हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हम सहकारिता का विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्रेन और टेक्नोलॉजी से युक्त ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण बड़ी सरलता के साथ होगा और सहकारिता नीति भी यही सहकारिता वर्ष में हम लाकर भारत के सहकारी आंदोलन को एक लंबा रास्ता तय करने का हम सुनिश्चित करेंगे। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और